अस्सलामुअलैकुम अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ हैं। आज के मजेदार से न्यू ब्लॉग का कर लेते हैं गाइस। तो भाइयों, जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल शाह मोहम्मद वाले को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो ताकि आपके भाई के फ्यूचर में आने वाले न्यू ब्लॉग तक बर्बाद मौजूद हो सके। तो वेलकम बैक हो गया आपका ब्रांड न्यू ब्लॉग में। सो वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। हवाएं चली हुई है कुछ, तो ये यार बहुत जल्दी इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है। तो अब देखो सुस्त होकर बैठे, चल अरे चल चल ले, देखो अभी अभी सेट हो जाएंगे ये अब देखो। अब इतने प्यारे हो तुम, इतनी प्यारी बातें करते हो, आज कर क्यों नहीं रहे हो बातें सन्नाटे में? देखो अभी कर रहे, मैं बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं अब मैं जाऊंगा जब शायद कर ले बातें कर लो। देखो अबे सन्नाटे में लगे पड़ा, तो इसको छोड़ो दोस्तों। यारों आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। जैसा कि आपको पता है कि भाई अगस्त चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे वाला महीना चल रहा है, तो अभी तक भाइयों हमने झंडे घर में नहीं लगाया। और आज डेट आई थिंक क्या हो गई है बाजी, 12 अगस्त हो गई है और दो दिन देगा झंडे नहीं लगाया अभी तक घर पे। तो जल्दी जल्दी यार झंडे की प्रिपरेशन करने, क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में सीन ये है कि भाई जो हमारा झंडा है ना इस कमरे में रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ उस झंडे का सीन यार। पहले उसकी करवानी है हमने साइडों से अपना क्या बोलते हैं उसको यार, जो लेडीज अपने दुपट्टे पे कराती हैं पीको। असल में ना यार ये पिछले साल ना ये देखो सारा ख़राब हो गया था, तो इसकी करानी है पीको, तो इसको भी लेकर चलते उसकी पीको कराते ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए हमारा प्यारा सा झंडा। तो अब इसको लेकर चलते ही को पीको कराते, और एक और चीज़ लेनी है वो लेते हैं, धन कराते। और अभी 14 अगस्त की तैयारी क्या करते हैं, 14 अगस्त का झंडा लगाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यार ब्लॉग पड़ा हुआ है यार, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को समझ भी नहीं आ रहा उसको अपलोड करूँ या इसको, लेकिन इसको आज की तारीख में कर दूंगा अपलोड। और इंशाल्लाह जो सरप्राइज आ रहा है एक मजा सा ब्लॉग है वो कल आएगा, कर लेना। तो अभी क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना, जल्दी जल्दी जाते हैं इसको पीको कराते हैं, पानी केन लाते हैं, और जो चीज़ लानी है वो लाते हैं, और फिर बकाया बातें अभी ही करते हैं वापसी आके, और जो प्रिपरेशन 14 अगस्त करनी है वो भी कर लेते हैं। और छोटे भाई जान को जल्दी बोलते हैं उठ जाओ बेटा, ये मोबाइल चलाना छोड़ो, उठो जल्दी। अब कैसा अल्लाह की कसम उठता ही नहीं है, बातें तेरे दूंगा कान के, ये पाक पाक झंडे को पकड़ो, इसको चूमो, फ्लैग है अपने मुल्क का, अपने मुल्क का फ्लैग है, उसको कहाँ रख दिया, वो लेके जाना, वो लेके जाना है। क्या है छुपा बेटा, उठा ले जल्दी इज्जत के साथ, चल जल्दी झंडे को पीको कराते हैं, और लाइट वो जो चीज आनी वो लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं क्या चीज है। मेनी आवर्स लेटर हम ऐसा कोई हरकत नहीं करते हैं, झंडिया में बचपन में लगाया करता था, अब इसमें नहीं लगाता यार, वो बाद में होती है ज़ाया, उसके लिए बेहद होती है, यानी कि पैरों के नीचे आ जाती है, तो उसको मैं यूज़ नहीं करता, बस मैं झंडा लगा लेता हूँ, तो दोस्तों पा लीजिए झंडा लगाने के। इस दफ़ा जो चीज़ भी इनकी अपना क्या बोलते हैं उसको इंक्लूड करिए, वो क्या चीज़ है वो भाई मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मैं कुछ लेने के लिए जा रहा था, वो ले आया था। दैन ब्लॉग बनाने का भी टाइम मिल गया, भाई क्या टाइम मिला कि मंदिर के बाद जाकर टाइम लगा, क्योंकि यार वो झंडा जो है ना शाम के टाइम लगाने का ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सबको मज़ा आएगा ना जाहिर सी बात है। तो अब क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो करने लगाऊँ, लगाएंगे जब छोटे भाईजान आएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी कर ले मुकम्मल, जैसे वो आए तो बस उसको करेंगे फिट। फिट नहीं भाई, फिट मैं खुद ही कर दूँगा, जब आएगा तो जब चालू करके दिखाएगा, चालू तो मुराद जब थोड़ा बहुत समझ लोगे तो कुछ हैवी किस्म का सीन होने आ रहा है, तो हैवी किस्म का सीन से मुराद यानी कि भाई डंडा ले लिया है मैंने मेजरमेंट भी कर लिया, तो काई की मेजरमेंट कर लिया यारो, यहाँ तक तो आ जाएगा हमारा फ्लैग, तकरीबन यहाँ से लेके इतनी यहाँ तक ब्लैक डॉट निशान तक, और यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक कुछ स्पेशल चीज़ आने वाली है, तो थोड़ा बहुत गेस कर लिया होगा, चलो बता ही देता हूँ क्यों इतना तरफा हूँ मैं आप लोगों को। तो भाईजान एक आपका भाई चीज़ लेके आया, बड़ी हैवी किस्म की भाईजान आपका भाई लेकर आया है, अल्लाह का भले कर इसको बोलते हैं रोप लाइट लेकर आया, वो भी बिल्कुल अच्छे वाली 16 फिट है तकरीबन ये, तो ये रोप लाइट रखी है भाई, रिमोट कंट्रोल आ ली है, तो फुल हैवी किस्म का सीन है ये, मेरे को पड़ी है 14 रुपये की, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो दोस्तों अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाते तो आप लोग करिएगा, टाइम जो है इसको मैं लगाता हूँ जैसे जैसे, तो आप लोग बोलेंगे झंडा कुछ चढ़ाया,
तो इसलिए मैंने मेजरमेंट कर लिया, मैंने झंडा चढ़ाया, फिर मैंने निशान लगाया ताकि मैं मेजरमेंट कर सकूँ, जब मैं रोबलेट लगाऊँ तो कोई मेरे को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अब जल्दी जल्दी से अपना झंडा लगा लेते हैं, यानी कि झंडे को तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो लेट तक आप लोग करें टाइम लेट इन्जॉय, क्योंकि आज आपको भाई काफ़ी दिनों के बाद बना देगा टाइम लेट लगती बस बोला स्टार्ट जल्दी से काम को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब हम जो है मैंने सोचा ब्लॉग को यानी टाइमलेस बनाने से पहले आपको एक चीज़ तो दिखा दी, क्या चीज़ दिखा दी है भाई, ये कैसी लगती है कि भाई ये जलने के बाद ये ऐसी लगती है। मैंने कहा वो बाद में तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा अभी भी दिखा दूँ। तो इसका रिमोट ये रहा जिससे कि पूरा का पूरा यानी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। आई थिंक सो छोटे भाईजान तो यार आराम से उसको आता तो वो कर लेता है। इससे मेरे कहा ग्रीन कलर अकेला जलेगा, ऐसे मैं इसका सेंसर ले रहा हूँ। ये देखो ओए 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 तो मल्टी कलर आ गया, वाह। ये दफ़ा और मारूँ फिर क्या हो रहा है, नहीं और कुछ भी नहीं हुआ। नीचे वाला दबा के देखता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। एक तो यारो इसके बटन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शायद भाई जानते ना उसको जो है सिंगल सिंगल का कुछ और यहाँ पे है आई थे फेड करें तो क्या होगा। ओ भाई साहब ओ ये आ गया सिंगल, ये आ गया ना। अरे ये मेरे ख्याल मल्टी आ गया, वाह ऑसम। कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यार इसके अंदर, वैसे जो बात है फेड करूँ इस पर अकेला। चलो फ्लैश करते हैं, सुभान अल्लाह ज़रा चेक करो भाई क्या क्या कलर आ रहे हैं यार अकेला। ये सिंगल सिंगल कलर पता नहीं कैसे आते हैं। अच्छा फिर शायद दम बांध से यारो जिस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, छोटे भाईजन को है ना ज़्यादा आ जाता है। ये मेरा चलाने के लिए भी है, इसके अंदर कुछ एंटी क्लॉक वाइज वाला सिस्टम भी है। ये लो हो गया, वाओ ऑसम, यानी जितना चाहे ग्लो कर लूँ, वाओ क्या बात है। सही ज़बरदस्त देख रहे हो यारो ना, ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। अकेला फेड कर लेंगे तो बस ये आ जाएगा, फिर इसको ऐसे वाओ क्या बात है। तो अब इसको कर देते हैं बंद, जैसे डायरेक्टली हम ना यहाँ से भी बंद कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको ये ऑफ हो गई और ऐसे ही ऑन हो जाएगी। दो तीन दफ़ा प्रेस करना पड़ता है आई थिंक सो। हाँ भाई वो चली नहीं रही, अब क्या हो गया ऐसे यार, दिन में भी हो गया था फिर इसको ना ऐसे ऐसे करता रहा था फिर चालू हो गई थी तो अभी हो नहीं रही है। अरे बंद करके खोलनी पड़ेगी, ऑफ करते हैं देन फिर दोबारा इसको करा है ऑन। शायद अब मुझे मेरे से हुई नहीं है यार, क्या हो गया मुझे ऑन करना पड़ेगा उसका भाई गले पड़ जाएगा मेरे। ऐसे मैंने यार मेरे को इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं, छोटे वाले जो ज़्यादा है तो आप इसको जो करना है वो करते हैं साथ, फिर बाकी बातें बात करते हैं। A few moments later. So, yo, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैग लगाने का टाइम आ चुका है। अबे यार सारे हल्क बन गए होंगे, हरे हरे फेस आ रहे हैं। एक मिनट फ्लैग को पकड़, अब तो दोस्तों को तो दिखाऊं भाइयों जो हमने सेटिंग कर दी है। अबे थोड़ा बहुत दिखा तो भाइयों, वैसे जला के पता चलेगा आपको। तो माशाल्लाह थोड़ी बहुत हमने सेटिंग कर दी है जितना हमारे को यूज़ करना था। जो बात है तो दोस्तों अब जल्दी जल्दी से इसको करते हैं इंप्लीमेंट, यानी कि शालदेव भाई तो हल्क लग रहा है फुल ग्रीन कलर के। अरे अब भाई फेस दिखो, अबे इधर तो देखो, अबे इधर देखो, अबे तोड़ो मत आप इधर देखो बस। ओए ओए क्या शशके मार रहे हो, अबे प्लास हटा यार, अब इतने प्यारे लग रहे हो ना यार के मजाक से हटके। चलो अच्छा अच्छा ये पकड़ लो आप मोबाइल, अरे नीचे रख दो, वहाँ रख दो प्लास, इसको नीचे रख दो, तुम तो मोबाइल ही पकड़ने में डेट क्या कर रहे हो यार, भूल गए हो क्या कैसे ब्लॉग बनता। हल्के लग रहा है, नहीं तो वो शिरक लग रहा है, शिरक हरी डंडी भाई। जब आप झुकते हो तो मैं आपका बैक साइड दिखाऊं। तो दोस्तों अब इसको फिट करते हैं। हमें ये फिट तो पिछले साल ही लगा दे, गीजर ठोक दिया पिछली बार, याद है ना गीजर लीक कर दिया था तूने। यहाँ से मस्त एंगल आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है।
डंडा। यार ये लाइट वाइट पक्की फिक्स की है ना, मेरी लैपटॉप से निकाली है। कौन सी लाइट है? ये वाली रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी लेकर आया। हाँ तो लाया मेरे लैपटॉप के लिए, लाया ना, तूने कब्जा कर लिया। हरी लाइट देखी नहीं, 14 अगस्त बनाना याद आ गया। कुछ तो देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही खुफिया काम चल रहा है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह लोकर के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्कत के बाद बिल आखिर हमारा फ्लैग लग चुका है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे ऊपर वालों ने भी ये लाइट्स और फ्लैग लगाए हैं, तो भाई इसको ऊपर कर लेते हैं, हमारा लग रहा करेगा। रोबो लाइट भी देखो कैसी लग रही है, खूबसूरत। अब मैं इसको करूँगा सेट इस रिमोट से। चले पैसे पूछ के आ गया तो यार इसके ना बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक दे सब ये चल रहा है ना। तो ये देखो इसके ऊपर अगर मैं करूँ ना, एक मिनट हो जा, एक तो करीब जाना पड़ता है इसके यहाँ से। अबे हाँ ये भी है हमारे पास ऑप्शन के, ये इस तरह रहेगा और इसको मूव करने का भी है कि ये फ्लैश करे। अरे ये दूसरा फ्लैश आ गया, ये देखो ये ऐसा आ गया। तो डिम करना चाहे तो डिम भी हो सकता है। हाँ ये देखो चलने लग गई, ये इस तरह का भी है, लेकिन हम ये ऑप्शन नहीं करेंगे। तो भाई हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ, फिर करना पड़ेगा इसको बंद एक दफ़ा, देन फिर अगेन ऑन करना पड़ेगा। तो ये अपने कलर्स में आ चुका है, लेकिन हम करेंगे जी पे मारेंगे अकेला और ये अलग कलर रहने देंगे अकेला ग्रीन कलर। तो कैसा लग रहा है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। बहुत मेहनत कर लिया यार इस काम के लिए, पैसा भी बड़ा लग गया भाई, जो बात है। देखिए रोब लाइट एक दफ़ा लेने का खर्चा हो गया, और भाई आपके भाई ने जुगाड़ मारा कि एक्सटेंशन यहाँ पे रख लिया मैंने। भाई मैंने कहा एक्सटेंशन से काम चला लेते, क्योंकि अभी टेम्परेरी काम कर रहा है, क्योंकि यार 2-3 दिन का है ये, तो फिर उसके उतार चलना है कि क्या वायरिंग करूँ। 12 रुपये में ये होता कि वो 10-11 दिन के लिए भाई लगी रहती है लाइट, इसमें यह काम मुमकिन नहीं था, तो इसलिए आपके भाई ने किया नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सीधा अंदर और जाके ब्लॉक एंड करेंगे। मेरी आंखों का कलर भी अभी चेंज हो चुका, वो कैसे वो मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ, बाहर के अंदर जाके बताता हूँ वो क्या चक्कर है। तो चलते अंदर आपको बताते क्या सीन है। The next day. तो यारो मैंने सोचा था ब्लॉग एंड करूँगा रात के टाइम में, लेकिन आपका भाई फिर रात को नहीं ब्लॉग एंड करा और सो गया था टाइम से ही भाई, जो तकरीबन 11:45 हाँ 11:30 बजे तक मैं सो चुका था भाइयों। तो उसके अलावा भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह झंडा कल की तारीख में लग गया था, तो मैंने सोचा यार मैं इसलिए ब्लॉग भी नहीं एंड करा, मैंने कहा दिन के वक्त भी दिखाऊँ कि हमारा झंडा कैसा लग रहा है माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का। तो अब दिखाऊँ मैं आपको, वैसे थोड़ा लिपट गया है तो उसकी खैर है माशाल्लाह। ये देखो हमारा फ्लैग, हमारा परचम, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक से हमेशा ऊपर रखे, हमेशा इस परचम को ऊपर रखे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बहुत तरक्की दे। अगर बस छोड़ो यार, तो दोस्तों उसके अलावा यारो ये रहा हमारा फ्लैग, बड़ा खूबसूरत सा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। तो पौधे भी दिखा दो माशाल्लाह, गुलाब का ये रहा, और कली जो हमारी कली है भाईजान जी, इसकी क्या बात है। तो भाइयों अब क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है यारो, ब्लॉग को लगाएंगे इस साल को यहीं पे फुल स्टॉप, क्योंकि फिर न्यू ब्लॉग्स भी बनाने होता है हमने, जैसे 3-4 ब्लॉग बन गए तो एडिट करके इंशाल्लाह अपलोड करना है। तो आज की तारीख में तो आएगा 14 अगस्त वाला, देन जो छोटा सा सरप्राइज वाला ब्लॉग है ना वो यार मैं अभी अपलोड नहीं करा, तो आप लोग बोल रहे होंगे यारो, वैसे बोलना है आप लोगों को पता नहीं होगा क्या सरप्राइज है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए मैं यार रुक गया हूँ अभी उस व्लॉग को लेके, तो उसमें थोड़ी सी ना एडिटिंग लंबी है, तो मैंने इसी वजह से कहा थोड़ा इंतजार करते हैं, उसको फुली VIP एडिट करके अपलोड करेंगे। तो ये वाला आएगा आज इंशाल्लाह हमारा, जिसमें मैंने फ्लैग लगाया है। तो इंशाल्लाह कल है 14 अगस्त, कल है 14 अगस्त, तो इंशाल्लाह कल आएगा 14 अगस्त का व्लॉग। तो कल शायद व्लॉग भी लेट आए, क्योंकि पूरा दिन व्लॉग शूट करना होगा, शाम में लेट आएगा। तो उसके अलावा दोस्तों इस व्लॉग को लगाएंगे यही भी पूछ रहा हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हैं शूट करना, रेलिंगा से जाना और की रेलिंगा से जाना। तो दोस्तों इस व्लॉग को लगाना यही पे फुल स्टॉप। तो आज इतने में इस टॉपिक से और व्लॉग के साथ, सो लेट्स टेक केयर, बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं बोलना गलत बोल गया हूँ अपना एंड का जुमला, लेकिन जैसा ही बोला तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।